आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेक सिटी के हवाले से। मैं आपको आज लेक सिटी के हवाले से लाइव विजिट करवाऊंगी। सारा कमर्शियल जो है इस टाइम पे एक्टिवली यहाँ पे रन किया जा रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल फूड चेन्स आपको मिल रहे हैं। जैसे कि व्यूअर्स टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेक सिटी के हवाले से। मैं आपको आज लेक सिटी के हवाले से लाइव विजिट करवाऊंगी और यहाँ पे आपको इसकी डिटेल ओवरव्यू दूंगी कि सोसाइटी में कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कौन कौन से ब्लॉक्स में सही में इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहे हैं और कौन कौन से एरिया जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और इसमें कौन कौन सी इवेंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ कमर्शल्स हैं। आइए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी तो व्यूअर्स, अब हम आपको लेक सिटी के मेन एंट्रेंस के तरफ हम रवाना हो रहे हैं और देखा जाए तो ये हमारा मेन गेट है इसका, लेक सिटी का। टोटल अगर इसकी फीट की बात करें तो 200 फीट रोड है, वाइड रोड है। इसके ऊपर आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो आपको एक मिनी जू इन लोगों ने बनाया है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स रखे गए हैं फॉर द किड्स। ऑब्वियसली लेक सिटी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें आपको एक अंडर वन रूफ आपको डिफरेंट एमिनिटीज़ दी जाएँ। अभी हम मेन बुलेवार्ड पे हैं और हमारे राइट साइड पे अगर देखें आप तो हमारा ये लेक सिटी का ऑफिस है। इसके अंदर आपको ऑब्वियसली जितनी भी लेक सिटी की जो फाइल्स हैं वो ट्रांसफ़र इसमें होंगी। आपको सेल परचेज के जो भी प्रोसेस के बाद ट्रांसफ़र्स एंड मनी की जो भी इसमें हैं चीज़ें फाइल्स के हवाले से या प्लॉट्स के हवाले से वो आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी। चाहे वो आप NDCs वगैरह जो है अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ईज़िली जो है मिल जाएंगी। ये हमारे अब जो मेन बुलेवार्ड है अगर देखा जाए तो किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर बात कीजिए तो मेन बुलेवार्ड इज़ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट टूवर्ड्स की एक सोसाइटी का लाइफ स्टाइल किस तरीके से है। इन्होंने ग्रीन बेल्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है डिज़ाइन करे हैं और इवन यहाँ पे ग्रीनरी प्रॉपर दी गई है। अभी हम मेन टूवर्ड्स जा रहे हैं टूवर्ड्स द राउंड अबाउट एंड टू द M3 एक्सटेंशन, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग M7 ब्लॉक, किस ब्लॉक में पोजेशन मिलने वाला है M7 के हवाले से एंड M8 की डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से भी। ये तीनों ब्लॉक्स की जो है मैं आपको डिटेल्ड जो है इसकी ओवरव्यू दूंगी। अगर आप हमारे राइट साइड पे देखें जैसे कि ये सारा कमर्शियल जो है इस टाइम पे एक्टिवली यहाँ पे रन किया जा रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल फूड चेन्स आपको मिल रहे हैं। ये ऑब्वियसली जैसे जैसे यहाँ पर रुझान लोगों का भाड़ा है ऑब्वियसली यहाँ पर और चीज़ें जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टाइम पे ये काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे काम किया जा रहा है। लाहौर के अंदर से भी जो टूरिस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे इजीली आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ईयरली टू ईयरली यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कोक स्टूडियोज़ कोक फेस्टिवल्स वगैरह टाइप की चीज़ें भी होती हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर जैसे फार्मेसीज वगैरह, ये छोटी एक मस्जिद इन्होंने बनाई है। ऑब्वियसली हर सोसाइटी में मस्जिद और इस तरह के स्कूल्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं और जो ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह टाइप की चीज़ें आपको जो है बहुत ज़रूरी होती है। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये बिल्डिंग हो चुका हुआ है और यहाँ पे एक्टिवली लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैं जिसके शुरू के सेक्टर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा जो है आ चुकी हुई है। अगर हमारे आप मज़ीद अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द मेन लेक सिटी के मॉल की तरफ। अगर यहाँ से दूर से आपको नज़र आ रहा होगा कि लेक सिटी का जो मॉल है ये बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने बनाया है, जिसमें आपको एक फूड कोर्ट चेन भी पूरा फूड कोर्ट यहाँ पे बना हुआ है जिसमें आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। इवन जो जे डॉट टाइप के इस तरह के डिफरेंट ब्रांड जो हैं यहाँ पे सारे इस मॉल में एक्टिवली रन हो रहे हैं। जी तो अब हम जो है अगर देखा जाए तो हमारे लेफ्ट साइड पर जो है M2 M3 और M3 एक्सटेंशन आएगा और हमारे जो राइट साइड है इस राउंड अबाउट के वहाँ पे आपको M7 के जो जितने भी C1, C2, C3 जो है इस साइड पे आपको सारी वो लोकेशन मिलेगी। मैं अभी आपको वहाँ पे भी विज़िट जो है इसका करवाऊँगी। अभी हम टूवर्ड्स जा रहे हैं M3 वाले एरिया पे और ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन रात को अगर इधर कभी विज़िट करें ना इस एरिया में तो ये बहुत खूबसूरत लग रही होती है। जब ये बनेगी तो ये बहुत ही एक आलीशान इसका जो व्यू होगा
इवन जो लोग नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं उन लोगों को भी एक वो अच्छी चीज़ यहाँ पे एक मस्जिद पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि बहरिया टाउन ने अपने लिए एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन पॉइंट बनाया था, सेम यहाँ पे मस्जिद इनके लोग एक अट्रैक्शन पॉइंट रखते हैं। अगर इधर जो मेन मॉल है इसमें इन्होंने अल्फतेह स्टोर भी दिया है जो कि आपने भी जाना माना ब्रांड। अब आप हमारे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इन्होंने स्कूल दिया है, जिसमें ऑब्वियसली किसी भी सोसाइटी में स्कूलिंग वगैरह भी एक सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। जी तो अब हम M3 ब्लॉक्स में अवेलेबल हैं, और ये अगर आप देखा जाए ना तो यहाँ पे आपको बहुत एक एक दो दो किनाल की अवेलेबिलिटीज़ हैं। ऑलरेडी ये पूरा एरिया डिवेलप्ड है, लोगों ने काफ़ी लोग यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत घर यहाँ पे बनाए गए। किसी भी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो किनाल दो किनाल की प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से भी जो सोसाइटी का एक अलग ही वो खूबसूरती नुमायाँ होती है। अगर इनकी प्राइस की बात की जाए प्लॉट्स की, तो आपको 3-3.5 करोड़ से यहाँ पर प्लॉट्स एक किनाल के स्टार्ट होते हैं, सॉरी 2.5 से 3 करोड़ में स्टार्ट होते हैं और अप टू 4-6 करोड़ तक जाते हैं। ऑब्वियसली कैटेगरी के हवाले से है, ऑब्वियसली जो है इसमें लोकेशन के हवाले से इस चीज़ पे मैटर करती है। M3 एक्सटेंशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो M3 एक्सटेंशन में अभी काम में तामीराती काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ पे इस टाइम पे जो रेट्स हैं वो आपको 135 लाख से लेके 180 लाख तक आपको रेट्स अवेलेबल हैं। और M3 एक्सटेंशन जो है बिल्कुल रिंग रोड टूवर्ड्स जो है DHA के साथ इसकी जो है कोलैब आपको अवेलेबल होता है, इसका बिल्कुल रिंग रोड का इंटरचेंज जो है इसके साथ अटैच है। इसमें इन्होंने रिसेंटली M3 एक्सटेंशन में न्यू ब्लॉक्स जो हैं लॉन्च किए हैं, प्लॉट्स जो कि बैलेटेड प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइस 1,15,000 से लेके 1,45,000 के बीच में वेरी करती है। और ये जो सारे प्लॉट्स इनकी जो एरिया है वहाँ पर 150 फीट रोड है। सकते हैं कि इस टाइम पे हम लोग जो हैं M2 और M3 के एरिया पे साइट विजिट आपको करवा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये यार। बस अब ना मुझे लगता है कि इसको करके ना कवर राउंड अबाउट वापस चलते हैं और दूसरे ब्लॉक में चलते हैं, ठीक है। ये ना बस वैसे व्यू ले लो ताकि कोई लेक सिटी की वीडियो बनाए ना तो वो चल जाए उसमें, सही है, हम बोल तो सकते ही है ना, वो पार्क पार्क सारा है। जैसा कि अभी मैं आपको M3 एक्सटेंशन के हवाले से गाइड करी थी, इसमें जो न्यू बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं 1.15 करोड़ से 1.45 करोड़ के दरमियान वेरी करती हैं। और इसी में जो न्यू फाइल्स अवेलेबल हैं जिसकी प्राइस रेंज है 1.10 करोड़ से लेके 1.15-20 करोड़ की रेंज में आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से M6 जो इसमें ब्लॉक है वो इस टाइम पर जो है इंस्टॉलमेंट्स का एरिया था, काफ़ी यहाँ पर डिवेलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रही थी। इसमें अगर रेट्स की बात कीजिए तो जिसमें सिर्फ 10 मरला की कटिंग है ये आपको इस टाइम पे 1.5 करोड़ से लेके 1.70 करोड़ तक जो है आपको मिलते हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कि विद इन 6-7 मंथ्स में यहाँ पे पोजेशन मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं M7 जो ब्लॉक है उसकी जानेब। अब M7 में बेसिकली 4 सेक्टर्स कह सकते हैं आप इसमें, जिसमें C1, C2, C3 एंड C4 के जो सेक्टर्स आपको मिलते हैं। ये फुली कार्पेटेड रोड है, और इसमें अगर देखा जाए तो MC1 में अगर पोजेशन जो है अनाउंस हो चुका है 31 मार्च को इन्होंने करना है एक्सपेक्टेडली, ये बता रहे हैं, इसका इवन लेटर भी आ गया और हम जो है इस वीडियो में भी आप जो है इसका लेटर देख रहे होंगे कि आपको इसकी जो लेटर अप्रूवल्स मिल चुके हैं। इसी तरीके से इसमें आपको जो C1 में प्राइसेस रेंज वेरी करती हैं 5 मरला की, वो तकरीबन 65 लाख से लेके 80 लाख के दरमियान वेरी करती हैं, और जो C2 है उसकी प्राइस जो है आपको 55 लाख से लेके 65 लाख 75 के दरमियान जो है वेरी करती है। इसी तरीके से जो C3 इनका है उसमें आपको जो प्रॉस जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो 80 लाख से लेके 92 लाख तक वेरी करती हैं, ठीक है। इसमें अगर C4 की बात चेक करें तो इस टाइम पे C4 में जो है डिवेलपमेंट काफ़ी तेज़ी से जारी है, और अगर इसके 7 मरले में सिर्फ इसकी कटिंग मौजूद है और 7 मरले की अगर बात करें तो उसमें 68 लाख से लेके 80 लाख के दरमियान जो है आपको प्राइस रेंज मिलती है, और ये 6-7 मंथ्स में इसका भी आपको जो है एक्सपेक्टेड है कि पोजेशन मिल जाएगा।
इसके साथ ही अगर देखा जाए अब इसकी आपको M7 की लोकेशन में आप देखें तो ये भी बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी हुई हुई है और यहाँ पे भी घर बन रहे हैं। और ऑब्वियसली लोकेशन हर सोसाइटी के लिए, हर इंसान के लिए मैटर करती है लोकेलिटी। और अगर आप देखें तो बड़े अच्छे खूबसूरत यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। जी तो अभी अगर देखें हम इस टाइम पे, वैसे तो M7 में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको M8 का भी थोड़ा सा बता दूं कि इस टाइम पे जो है M8 पे भी काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। और इसके बिल्कुल साथ ही M8 के साथ ही मिड सिटी जो है वो आपको वो ब्लॉक भी अवेलेबल हो जाता है। और वो इस टाइम पे जो है उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ही जो है सारा प्लान्स चल रहे हैं। तो अगर आप इस सोसाइटी में, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा जाए या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो तीनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे पूरे होते हैं। ऑब्वियसली डेवलप एरिया भी है जहाँ पे आप फौरी रिहाइश रखना चाहते हैं, आप घर बाय करके बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मैं M8 ब्लॉक में रेकमेंड करूँगी, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अभी वहाँ पे चूँकि प्री मेच्योर एरिया है, डेवलप नहीं हुआ, तो जैसे जैसे यहाँ पे प्राइसेस मेच्योर होकर लोगों ने करोड़ों में मुनाफा हासिल किया है, इसी तरीके से M8 ब्लॉक में भी वो हासिल कर सकते हैं मुनाफा, और मिड सिटी में भी हासिल कर सकते हैं, और M3 एक्सटेंशन में भी, क्योंकि वो रिंग रोड को भी अटैच हो रही है। और ऑब्वियसली उसके साथ जितना भी एरिया है वो एक एक दो दो किनाल के घरों का एरिया, ऑब्वियसली मैटर करती हैं ये चीज़ें किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यहाँ पे आपको कमर्शियल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, उनकी भी प्राइस रेंज जो है काफ़ी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन वगैरह। जी व्यूअर्स, मैंने अभी आपको जो है लेक सिटी का पूरा लाइव विजिट करवाया है, डिफरेंट ब्लॉक्स का, डिफरेंट सेक्टर्स का, आया कि आप कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, आया कि डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से। ऑब्वियसली बहुत से इंटरनेशनल नेशनल क्लाइंट्स की बहुत सी क्यूरीज होती हैं कि कितनी सोसाइटी डेवलप हो चुकी है और एक्टिवली कितना काम हो चुका है सोसाइटी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स के हवाले से या बुकिंग के हवाले से जो ब्लॉक्स हैं उनमें आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमो पे भी अवेलेबल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।